तो हेलो फ्रेंड्स, मैं राहुल तिवारी एंड इस यूट्यूब चैनल टेक्निकल राहुल। दोस्तों फाइनली आज की इस वीडियो में यहाँ पर कंपेयर करने वाला हूँ दो नए स्मार्टफोन्स को। यहाँ पर सबसे पहला दोस्तों जो स्मार्टफोन है वो है यहाँ पर रेडमी का नोट 9 स्मार्टफोन, जो कि कल यहाँ पर फाइनली इंडिया में लॉन्च कर दिया गया है। उसके साथ हमारा जो दूसरा स्मार्टफोन रहेगा वो रहेगा यहाँ पर रियलमी का 6i स्मार्टफोन, जो कि यहाँ पर 24 जुलाई को इंडिया में लॉन्च होने वाला है। अब यहाँ पर ये जो दोनों स्मार्टफोन है वो एक ही कैटेगरी के, एक ही प्राइस रेंज के स्मार्टफोन होने वाले हैं। आप लोगों में से काफी सारे लोग कमेंट कर रहे हैं कि मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि दोनों स्मार्टफोन से कौन से स्मार्टफोन खरीदा जाए, हमें यहाँ पर रेडमी के नोट 9 को लेना चाहिए या फिर रियलमी 6i स्मार्टफोन को लेना चाहिए। तो आज आपका जो कंफ्यूजन है वो यहाँ पर दूर करने वाला हूँ। तो फाइनली वीडियो को लास्ट तक जरूर देखते रहिएगा। इसके साथ अगर आप यहाँ पर चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं, तो जरूर से सब्सक्राइब करिएगा ताकि मैं इस तरह कोई वीडियो अपलोड करूं तो जो वीडियो सबसे पहले यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाए। दोस्तों अगर बात करूं सबसे पहले यहाँ पर इन दोनों स्मार्टफोन्स के कुछ फीचर्स के बारे में, इन दोनों स्मार्टफोन की डिजाइनिंग के बारे में, तो यहाँ पर अगर बात करूं रेडमी के नोट 9 स्मार्टफोन की डिजाइनिंग के बारे में और यहाँ पर रियलमी 6i स्मार्टफोन की डिजाइनिंग के बारे में, तो दोनों स्मार्टफोन में आपको ग्लॉसी ग्रेडियंट फिनिशिंग के साथ में जो पॉलीकार्बोनेट का बैक है पीछे की साइड वो यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है। उसके साथ दोस्तों यहाँ पर जो रियलमी 6i स्मार्टफोन का जो बैक पैनल है वो थोड़ा सा अट्रैक्टिव यहाँ पर देखने के लिए लगता है। वो क्यों देखने के लिए लगता है, क्योंकि यहाँ पर जो रियलमी 6i स्मार्टफोन का जो बैक पैनल है वो पूरा का पूरा खाली यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है। सिर्फ और सिर्फ वर्टिकल शेप में आपको 4 कैमरे देखने के लिए मिलते हैं, लेकिन वहीं पर अगर हम रेडमी के नोट 9 स्मार्टफोन के बैक पैनल की बात करें तो वहां पर हमें 4 कैमरे देखने के लिए मिलते हैं। वो ठीक बात है, लेकिन वहां पर हमें रियर माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर भी देखने के लिए मिल जाता है, जिसकी वजह से जो फिंगरप्रिंट सेंसर वो ज्यादा वॉल्यूम ज्यादा एरियाज को कवर कर लेता है, जिसकी वजह से रेडमी नोट 9 स्मार्टफोन का जो बैक पैनल है वो उतना ज्यादा अट्रैक्टिव देखने के लिए नहीं मिलता है। तो डिजाइनिंग और बैक पैनल में जो रियलमी 6i स्मार्टफोन वो काफी हद तक आगे यहाँ पर निकल जाता है। उसके साथ अगर बात करता हूँ इन दोनों स्मार्टफोन के फ्रंट के साइड यानी डिस्प्ले के बारे में, तो दोनों स्मार्टफोन में आपको 6.5 इंचेस का एक फुल HD प्लस डिस्प्ले देखने के लिए मिल जाता है। IPS डिस्प्ले पैनल दोनों स्मार्टफोन में देखने के लिए मिल जाती है। पंच होल डिस्प्ले डिजाइन दोनों स्मार्टफोन में देखने के लिए मिल जाती है, लेकिन यहां पर भी जो रियलमी 6i स्मार्टफोन का डिस्प्ले है वो काफी हद तक आगे निकल करके चला जाता है। क्यों जाता है, क्योंकि आपको रियलमी 6i स्मार्टफोन में 90 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट के साथ में जो डिस्प्ले है वो देखने के लिए मिल जाती है। तो ऐसे केस में जो रियलमी 6i स्मार्टफोन का डिस्प्ले है वो काफी हद तक बेटर आपको देखने के लिए मिलेगा रेडमी के नोट 9 स्मार्टफोन से। उसके साथ अगर बात करता हूं यहां पर इन दोनों स्मार्टफोन के प्रोसेसर के बारे में, तो प्रोसेसर के मामले में भी जो यहां पर रियलमी का 6i स्मार्टफोन है वो काफी हद तक आगे निकल करके जाएगा, क्योंकि आपको यहां पर Redmi के Note 9 स्मार्टफोन में MediaTek का हेलियो G85 प्रोसेसर देखने के लिए मिल जाता है। अब G85 से काफी हद तक बेटर परफॉर्मेंस, गेमिंग परफॉर्मेंस आपको यहां पर हेलियो के G90T स्मार्टफोन में देखने के लिए मिलती है। तो प्रोसेसर और स्पीड के मामले में भी, गेमिंग के मामले में भी आपको जो Realme का 6i स्मार्टफोन है वो काफी हद तक आगे यहां पर निकल कर जाएगा। अच्छी परफॉर्मेंस आपको यहां पर Realme 6i स्मार्टफोन में देखने के लिए मिलेगी Redmi के Note 9 स्मार्टफोन से। उसके साथ बात करें कैमरे के बारे में, तो दोनों स्मार्टफोन में सेम आपको 48 मेगापिक्सल का क्वाड रियर कैमरा पीछे की साइड देखने के लिए मिल जाता है। उसके साथ अगर बात करता हूं फ्रंट कैमरे के बारे में, तो फ्रंट में आपको 13 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा रेडमी के नोट 9 स्मार्टफोन देखने के लिए मिल जाता है। उसके साथ 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा आपको रियलमी के 6i स्मार्टफोन देखने के लिए मिलता है। तो फ्रंट कैमरे के मामले में भी यहां पर जो रियलमी 6i स्मार्टफोन है वो काफी हद तक आगे निकल जाता है। उसके साथ अगर बात करता हूं इन दोनों स्मार्टफोन के बैटरी कैपेसिटी के बारे में, चार्जिंग के बारे में, तो यहां पर आपको रियलमी 6i स्मार्टफोन में 4300 mAh की बड़ी बैटरी देखने के लिए मिल जाती है। तो ऐसे केस में जो Redmi का Note 9 स्मार्टफोन है उसमें आपको 5520 mAh की बड़ी बैटरी दी गई है। तो बैटरी के मामले में जो Redmi का Note 9 स्मार्टफोन है वो काफी हद तक आगे निकल जाता है। चार्जिंग कैपेसिटी की बात करता हूं, तो वैसे तो यहां पर लीक्स आ रही हैं कि आपको Realme 6i स्मार्टफोन में 20W का चार्जर देखने के लिए मिलेगा। अगर 20W का चार्जर होता है तो चार्जर के मामले में भी यहां पर जो Redmi का Note 9 स्मार्टफोन है वो काफी हद तक आगे जाएगा, क्योंकि दोस्तों आपको यहां पर Redmi के Note 9 स्मार्टफोन 22.5W का जो फास्ट चार्जर है वो आउट ऑफ द बॉक्स देखने के लिए मिल जाता है। तो दोस्तों ये थे कुछ फीचर्स कंपैरिजन यहां पर इन दोनों स्मार्टफोन्स के। अब बात कर लेता हूं इन दोनों स्मार्टफोन से कौन से स्मार्टफोन को आपको लेना चाहिए। तो यहां पर मैं कहूंगा कि आपको Realme 6i स्मार्टफोन का जरूर से वेट करना चाहिए। अगर आपका जो बजट है वो सिर्फ और सिर्फ 12,000 रुपए है, 12,000 रुपए से आपका एक भी रुपए ज्यादा आप यहां पर खर्चा नहीं करना चाहते हैं, तो ऐसी कंडीशन में मैं आपको Redmi के Note 9 स्मार्टफोन को रिकमेंड करता हूं। आप जाकर के यहां पर ट्राई करिएगा 24 जुलाई को कि ये जो स्मार्टफोन है वो यहां पर ऑर्डर होता है या फिर नहीं होता है। वैसे सेल है, हो सकता है फेक सेल करा दी जाए इसी स्मार्टफोन की भी, और मुझे नहीं पता। लेकिन यहां पर दोस्तों अगर आपका जो बजट है वो 12,000 से 13,000 रुपए के बीच में है, तो ऐसी कंडीशन में मैं आपको Redmi के नोट 9 स्मार्टफोन को लेने से मना करता हूं, क्योंकि आपको यहां पर वेट करना है इन दोनों स्मार्टफोन का। आपको देखना है, पूरा का पूरा चांस है कि जो Realme का 6i स्मार्टफोन है जो इंडिया में आ रहा है वो आपको यहां पर
13,000 रुपए की रेंज में इंडिया में इसका जो बेस वेरिएंट होगा वो देखने के लिए मिलेगा। तो 13,000 रुपए अगर आपकी प्राइसिंग है, अगर आप 13,000 रुपए लगा सकते हो, तो ऐसे कंडीशन में आपको काफी अच्छा एक पावरफुल तगड़ा गेमिंग स्मार्टफोन देखने के लिए मिल जाएगा। और अगर 1,000 रुपए भी इसकी जो प्राइस है वो ज्यादा होती है, तो ऐसे में जो विनर होगा वो Realme का 6i स्मार्टफोन भी यहां पर माना जाएगा। तो फाइनली दोस्तों ये थी पूरी डिटेल। अब आपका क्या कहना है यहाँ पर इन दोनों स्मार्टफोन के बारे में, आपके अकॉर्डिंग एक बेस्ट स्मार्टफोन कौन सा होने वाला है इन दोनों स्मार्टफोन में से, जरूर से अपना ओपिनियन मुझे कमेंट करके बताइएगा। फाइनली दोस्तों ये था इस वीडियो में, आशा करता हूँ छोटी जानकारी समय आ गई होगी। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक में से कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा।